एक बात ये करनी थी कि हम आप बड़े जागरूक हैं, समझदार हैं, समझते भी हैं। अब भी जो देखने को मिल रहा है, जैसे मालिक ने हम लोगों को बनाया हुआ है, तो एक जीव हमारे आपके अंदर है और यह जीव जिसके अंदर है उसके अंदर जान है। तो हम जीवधारी हैं तो हमको मालिक ने सोचने का, समझने का, पहनने का तौर तरीका दिया, सोसाइटी मेंटेन करने का दिया, बातचीत करने का ढंग दिया, बोलने का दिया। हम अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, हम अपनी दिक्कतों को बता सकते हैं। अभी जो आप भी देख रहे होंगे ऐसा हो रहा है जो पशुओं के साथ हो रहा है। अभी जैसे बछड़ों का बात आ रहा है, गाय की बात आ रही है। मान लीजिए पहले कटने के लिए चले जाते थे, हमारे आपके सामने नहीं रहते थे, होता है क्योंकि वह भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया हुआ है सारा कुछ। तो अभी क्या है कि अब जो गाय और बछड़े रोड पे घूम रहे हैं तो लोग कोसते हैं, सरकारों को कोसते हैं, दूसरों को कोसते हैं। पर कभी आप विचार कीजिए कि क्या उस सरकार ने पैदा किया है, या किसी व्यक्ति विशेष ने पैदा किया है, या आसमान से आए हैं। वो भी एक जीव है और वह जीव जो कि हम ही आपने पैदा किए हैं, किस प्रकार पैदा किए हैं कि हमने गाय को पाला और जो प्रकृति का नियम है, तो गाय है तो प्रजनन होना है। अब चाहे गाय पैदा हो, चाहे बछड़ा पैदा हो, चाहे बछिया पैदा हो, तो अगर बछड़ा होता है तो उसको लोग क्या करते हैं कि कुछ दिन रख करके छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। तो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, भंडारा करते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है कि एक एक बछड़े को अगर हम लोग ध्यान दें तो उनको भी कायदे से खिलाएं पिलाएं, और अगर हो सके तो कोई ऐसा स्थान नियुक्त करें कि उनको भी बाकायदे बांधें और लोग ले जाकर उनको दे दें। क्योंकि जो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, या डंडों से, लाठी से बेतहाशा मार रहे हैं, कभी आप देखिए क्या लगता है, क्या हम क्रूर स्वभाव में नहीं आ गए, क्या क्रूरता नहीं कर रहे हैं उनके साथ, क्या ऐसा होना चाहिए। तो इस पर थोड़ा विचार करें और हम कोशिश करते हैं और संभावना है कि अगर आप समझेंगे तो हो सकता है कि एक एक बछड़े को अगर ध्यान दिया जाए तो सब के हाथ बढ़ जाएंगे और सब एक जीव भी पाल लेंगे। और ठीक है, वो उनसे मैं कुछ नहीं करा सकता, लेकिन एक दान पुण्य के भाव से भी तो खिला सकते हैं। वह जीव है और जीव को जो भी खिलाएंगे तो आपको ही आशीर्वाद मिलेगा।